इंसानियत को शर्मसार कर दिया कोरोना ने। एक परिवार घर से बेघर हो गया, एक परिवार थी, परिवार था उसकी जो महिला है वो किसी के घर में काम करती थी, किसी के घर में काम करती थी, बुखार था उसको हल्का हल्का। उन्होंने कहा आप एक बार कोरोना का टेस्ट करवा लो। उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आए, एसिम्प्टोमेटिक थे, कोई लक्षण नहीं थे। जिस किराए के मकान में कमरे में रहती थी वो वहां गई, उसने कहा कि इस तरह से मैं बीमार हो गई हूं। उसकी ईमानदारी ये थी, उसने अपने मकान मालिक को बता दिया, लेकिन मकान मालिक ने कहा अपने अपना फैमिली को यहां से उठाओ, आप यहां से जाओ, जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगे वापस यहां नहीं आना। आसान शब्दों में कहा जाए ये कह दिया कि आप आज के बाद खुले आसमान के नीचे हो, आप यहां से निकल जाओ, जब तक ये कोरोना आपका ठीक नहीं होगा आपको घर वापस नहीं आना है। सारा सामान उसी कमरे में है, कुछ जो उसके हाथ में लगा उसने उठाया और अपने परिवार के साथ यहां आकर बैठी है सुबह से। ये वो परिवार है, अब ये परिवार यहां बैठा हुआ है, अब रात को भी यहीं रहेगा, क्योंकि जिस कमरे में रहते थे उन्होंने कह दिया कि आप जब तक ठीक नहीं हो जाओगे वापस नहीं आना। और मुझे ये बात एक सज्जन ने बताई जिनके घर में ये काम किया करते थे। उन्होंने कहा कि मेरा घर बहुत छोटा है, मैं इनको अपने घर आसरा नहीं दे सकता, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, इनके लिए क्या करूँ। उन्होंने मुझे कॉल किया, इनका नंबर दिया, मैंने इनसे बात की। उन्होंने कहा कि आप आज सुबह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी के सामने जो पार्क है वहाँ बैठे हुए हैं अपने बच्चों के साथ, नीचे एक जो बिछाया हुआ है यहाँ बैठे हैं, रात भी यहीं गुजारनी है, अब पता नहीं कितने दिन यहाँ रहेंगे जब तक कोरोना ठीक नहीं हो जाता। ये फैमिली जो है बिहार से है, पिछले 4-5 महीनों से उसी घर में रह रही है। कोरोना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, भारी पड़ गया कोरोना इनके। आप यहाँ पे क्यों हो? क्या करेगा? क्या अंदर तो भाई काम नहीं, घर कहाँ है आपका? नहीं बिहार, जहाँ कहाँ रहते थे? थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा, नानक नगर में रहते थे। तो क्या बोला मकान मालिक? जाओ टेस्ट कराओ, दवाई खाओ, जब तक नहीं हो जाए तब तक घर नहीं आना। तो अब यहीं रहोगे, रात भर यहीं रहोगे? अब क्या करना पड़ेगा, कल क्या करोगे? यहीं बैठे रहोगे? कहाँ जाए थे? ये बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं? अभी तो स्कूल बंद है, पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। आपके पति क्या काम करते हैं? ऐसे दिहाड़ी लगाते हैं, हमने दूसरों को घर में काम करते हैं। थोड़ा जोर से बोलो। एक रुपया नहीं है हाथ में, पैसा था तो खाने पीने में इधर उधर किराया भाड़ा में खर्चा हो गया। आज बच्चे के दोनों को टेस्ट कराए, लगता दोनों पॉजिटिव है। हाँ, कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, ये कुछ नहीं होता इससे, ये ठीक हो जाएगा। अब आप ही लोग बताइए लो, हम कहीं कमरा स्थाई दिया जी, हम कमरे में आराम से रहे। वो मकान मालिक क्या बोलता है, घर नहीं आना? मकान मालिक बोल रहा कि नहीं आना, मेरा बच्चे छोटे छोटे हैं, जब तक ठीक नहीं हो जाता है तो तब तक नहीं आना। डरा हुआ, वो डर गया? हाँ, डर गए, बच्चे उसके छोटा छोटा है ना, तो इसलिए डर गए, बोल गए तब तक ठीक नहीं होगा ना। तब तक आप कैसे क्या करोगे? आप पैसा है कोई आपके पास? पैसा एक रुपया नहीं है। दुकान तो करता है ये? काम तो करते थे, तो कोई दिया है 3000 रुपया था गाड़ी किराया में, उधर भी इधर भी खाने पीने में, किधर किधर पता कैसे खर्चा हो गया पता नहीं। अब आप क्या चाहते हो, कोई कमरा मिल जाए? हाँ, कमरा मिल जाए तो हम अस्थाई बच्चे के लेके हम अपने, तो जब तक ठीक हो जाओगे फिर वापस उसी मकान में कमरे में चले जाओगे। हाँ, तब क्या करेंगे? आप सुन लीजिए जनाब, अब ये खुले आसमान के नीचे हैं, क्योंकि कोरोना इंसानियत पे हावी हो गया।
मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर किसी फैमिली के किसी की माँ को कोरोना हो जाए, किसी के बाप को हो जाए, किसी के बच्चे को हो जाए, बेटे को हो जाए, बेटी को हो जाए, क्या आप उसको घर से बाहर निकाल दोगे? ठीक है आप हिदायत लो, लेकिन आपको घर से बाहर कर देना, ये कह देना कि जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक आप वापस नहीं आओगे, ये समझना बड़ा मुश्किल है। अब ये बिहार के लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, लेकिन आज खुले आसमान के नीचे हैं। इनको सबसे उचित स्थान लगा, सबसे अच्छा स्थान लगा ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी के सामने जो पार्क है, यहाँ लाइट भी है, कुछ लोग और भी हैं जो पेशेंट हैं, इलाज करवाने आए होंगे, वो यहाँ हैं, तो यहीं रात गुजार लें। कल क्या होगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव आया है ये हफ्ता 10 दिन 15 दिन तो रहेगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन घर नहीं था इनके पास। मुझे समझ नहीं आता इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इनके लिए कुछ कर सकते हैं। खुले आसमान के नीचे कब तक रहेंगे? मैं जानता हूं अजमीत सिंह को, मैं जानता हूं राहिल ठाकुर को, मैं जानता हूं चिंकल थापा को, मैं जानता हूं सुखदेव सिंह को, मैं जानता हूं संदीप मेहरा को, मैं जानता हूं रेखा को, मैं जानता हूं शिवम को, और पता नहीं कितने नाम जो मदद करने के लिए सामने आ जाएंगे। अब ये परिवार चाहता है कि मकान मालिक ने तो निकाल दिया, उसके डर ने इनको निकाल दिया कि मेरे बच्चे हैं, आप जनाब जब तक ठीक नहीं हो जाओगे तब तक आप घर नहीं आना। अब ये लोग चाहते हैं कि कोई एक कमरा इनको मिल जाए। मुझे लगता है प्रशासन के लोगों को भी सामने आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को सामने आना चाहिए। इस बीमारी ने एक परिवार को घर से बेघर कर दिया है। ये आप खुले आसमान के नीचे भैया जनाब, ये तस्वीरें भी आपको दिखानी बहुत जरूरी है, ये तस्वीरें आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी। नहीं करना चाहिए था उस मकान मालिक को ऐसा। मैं मानता हूं डर है, मैं समझता हूं डर है। आप इनसे कहते जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आप अपने कमरे से बाहर नहीं आना, आप हमारे संपर्क में नहीं आना, वो SOPs लेते, उल्टा आप इनका ध्यान रखते। आप बोलते कि पैसे की चिंता मत करो, हम जितने पैसे चाहिए हम आपको दे देंगे इलाज के लिए, आप अपना इलाज करवाओ, जो दवाई चाहिए वो लो, वो हम आप हमें वापस दे देना, जब आप ठीक हो जाओगे फिर काम पे जाना शुरू हो जाओगे फुरात दे देना। लेकिन आपने उनको घर से बेघर कर दिया। कभी सोचना जनाब, किसी के परिवार में कोरोना हो, किसी के माँ को हो जाए, बाप को हो जाए, भाई बहन को हो जाए, तो घर से बाहर तो नहीं निकालेंगे ना उसको। फिर तो अभी जितने केसेस आ रहे हैं हजारों दुनिया बाहर घूम रही हो सड़कों पे। इतना भी इंसानियत को शर्मसार मत कीजिए, कुछ तो रहम करो। जान सबको प्यारी है, इतना अपनी जान से मोह कि किसी को आप इस हद तक ले जाएं कि वो उसको घर से ही निकाल दिया। भाई यही था जनाब, ये परिवार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी के बाहर जो पार्क है वहां बैठा हुआ है, यही बैठा रहेगा, कहाँ जाएगा बेचारा। बच्चे इसके छोटे हैं, वो सो रही है, वो बेटी सो रही है, बेटा बैठा हुआ है, ये लोग बैठे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, 10 स्टेट सेंटिनल के लिए।